इस जर्नी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़रूर होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के साथ ज़रूर काम कर रहे होते हैं जिन जिनके साथ हम पहले काम कर चुके हैं, बट हमेशा कुछ ना कुछ नई नई जगह नए लोग ज़रूर ऐड होते हैं जिनके साथ आप पहली मर्तबा कर रहे होते हैं। इतने अच्छे इंतजाम किए हुए थे, मेरा मतलब है अगर उनके दिल में कोई भी ऐसी बात तब भी होती, क्योंकि ट्रेलर तो तब भी रिलीज़ हो चुका हुआ था और ये सब लोग उसको देख चुके हुए थे, इसके बावजूद भी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड नॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनके बहुत से मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, रेड टेपिज्म होता है, एनर्जी जो है ना वो ट्रैवल कर रही है। मैं इस बात का बड़ा मानने वाला हूँ कि जो है ना जो मतलब जो एक इन पर्सन आपसे मिलने में एक फिज़िकल आप जो है ना ज़रूर अपनी एनर्जी डिसेमिनेट करते हैं, तो वो एक एनर्जी है, मुझे लगता है एक गुड एनर्जी है जो इसके साथ ना हर जगह जा रही है। Assalamualaikum, hello and welcome to another episode of Zindagi Tamasha Deconstructed. It's a podcast series जिसमें हम जिंदगी तमाशा के बनाने की कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं. Today I have with me the associate producer of Zindagi Tamasha, Asil Baka. Asil, Assalamualaikum. Waalaikum Assalam. क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त. Asil, what part of the journey did you join on? And because I remember कि प्रोडक्शन के टाइम पे बहुत एक्टिवली नहीं, बट देन एट द बैक एंड एग्जीक्यूटिव जॉब्स एंड डिसीजंस, बट इन अ वेरी पैसिव वे. नो, आई मीन इट वाज नेवर पैसिव, इट वाज वेरी एक्टिव, बट सो बट एक्चुअल एक्टिव काम शुरू हुआ था जब हमने आई बिलीव कि ये डिसाइड किया था कि अब हमें इसकी वो जो BTL कैंपेन है उसको जो है ना वो स्टार्ट करना है. Which was a massive woe for the scale of this film, जो कि एक इंडी फिल्म है. लेकिन जरा BTL कैंपेन का एक स्कोप जरा बताएं, जो आप लोगों को मैंने बोला कि जी पैसे भी ज्यादा नहीं है, कोई हमें स्पॉन्सर भी नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद अब एक BTL कैंपेन डिसाइड होती है अक्रॉस पाकिस्तान. बिल्कुल. लाहौर, देन मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद एंड देन कराची. और ये पांचों जगह हमने कर ली. यस, कराची इंटरजेक्ट हुआ था, ब्रिटिश काउंसिल का इवेंट था. बिल्कुल. सो असल व्हेन से अब आई नो यू हैव नाउ अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑन ग्राउंड एक्टिविटी थिएटर के हवाले से एंड इंटरेक्शन विद यू नो लाइक अ स्पेसिफिक ऑडियंस. तो जिंदगी तमाशा की दफा भी हमने वो जो एक टेम्पलेट बनाई थी पहली दफा अराउंड मंटो. बिल्कुल. कि हम उन लोगों तक अब जाएंगे जो कि एक आपकी ऑडियंस है. बिल्कुल, सॉलिड ऑडियंस. बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हमें लगता है कि ऑनलाइन कैंपेन जितनी कर लें, बट बोथ यू एंड कवल आर ऑलवेज लाइक हर तरह के दलील के साथ यू बिलीव इन द पावर ऑफ ऑन ग्राउंड. बिल्कुल. तो वो पावर वाकई यू स्टिल बिलीव इन इट? बिल्कुल. मैं तो बहुत बड़ा तब भी मानने वाला था, आज भी मानने वाला हूँ. और ज़िंदगी तमाशा का भी मेरा ख्याल है मुझे सबसे पहले कंवल ने ही बोला कि ये शायद अब करने लगे हैं, बिकॉज उस टाइम कमली ख़त्म हुई थी, हम लोग अपना एक और प्रोजेक्ट कराची में ख़त्म करके वापस आ रहे थे और इसकी प्लानिंग का जो है ना उन्हें स्टार्ट करना था. सो और मैं एक्साइटेड भी इस वजह से था कि मंटो वाली जो ये सारी एक्टिविटी है इसको हमने अपने कुछ थिएटर प्लेस के अंदर भी जो है ना वो अडॉप्ट किया था और बहुत ही सक्सेसफुली वो अक्रॉस द बोर्ड हुई थी. तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब हमने इसको स्टार्ट किया, सो अगेन वही सारे कॉन्टेक्स्ट जो यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी हमारे कल्चरल स्पेसेस हैं उनसे वो दोबारा एक तो बात करने का मौका मिला. सो मुझे अभी भी ये बात बड़ी अच्छी तरह याद है कि जिन जिन लोगों से भी मेरी बात हुई, इधर यूनिवर्सिटीज और दोज कल्चरल स्पेसेस, पीपल वर लाइक वेरी एक्साइटेड. उन्होंने जैसे वो आप कहते हैं कि हाथों हाथ लिया, जो भी पॉसिबल टाइम हो सकते थे हमें दिए. ये अलग बात है कि हमें एक दिन में वो दो या तीन जगह जब करनी होती थी तो पर हम एक जगह से दूसरी जगह इस तरह भाग रहे होते थे कि जैसे जो है ना. असल मुझे वो भी याद है कि इस्लामाबाद में ख़ासतौर पर हमने जब प्रमोशन शुरू की तो बिल्कुल हमें तब वो फियर या जो भी वो फील होना शुरू हुआ कि
वो जो भी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं या जो भी लोग एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो लोग फिजिकली भी नजर आने लगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दो इवेंट्स तो मुझे याद है जहाँ पे लोग मफलरों में मुंह छुपा के बिल्कुल ऑडियंस में बैठे हुए हैं और घूर रहे हैं सिर्फ। एंड आई मीन दैट्स व्हेन एक्चुअली अलार्म ज्यादा बजने लग गए थे कि ओ इट इज लाइक अ प्रॉपर स्मियर कैंपेन। बिल्कुल। एंड ये सिर्फ हवा में या सोशल मीडिया तक नहीं है जो टेररिज करना या हैरेसमेंट ही कहेंगे, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू कॉल इट। और उस चक्कर में भी जब हमने कुछ इवेंट्स कैंसिल किए तो वो लोग कितने खफा भी हो गए थे, उनको लगा हम पता नहीं जान के नहीं आ रहे। और क्योंकि इस जर्नी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़रूर होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के साथ ज़रूर काम कर रहे होते हैं जिनके साथ हम पहले काम कर चुके हैं, बट हमेशा कुछ ना कुछ नई जगह नए लोग ज़रूर ऐड होते हैं जिनके साथ आप पहली मरतबा कर रहे होते हैं। सो लाहौर में भी इस तरह की जगह थी, लेकिन लाहौर वॉज क्वाइट स्मूथ क्योंकि तब तक कोई ऐसी बात और कुछ ऐसा अभी नहीं था। और इवन मुल्तान जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हुआ। फैसलाबाद मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि मतलब रोरिंग सक्सेस थी। और मुझे ख़ास तौर पे शायद सरमद आपको भी याद हो कि वो जो लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी में हमने किया था, देर वर लाइक 800-900 गर्ल्स सिटिंग, मेरा मतलब है कोई चीज मतलब वो होता है ना आमतौर पर आप उसके ऊपर ढकी छुपी सी बात करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद हम गए तो मतलब इवन फैकल्टी में कितने सारे लोग आपको लग रहा था वो थोड़े कंजर्वेटिव टाइप लाइक प्रोफेसर्स विद बियर्ड्स एंड स्टूडेंट्स भी आपको लग रहा था एंड ऑल ऑफ देम वर स्टिल विलिंग टू लिसन टू अस एंड दे वर वेटिंग फॉर द फिल्म। यस दे टुक इट वेरी ब्यूटिफुली, मतलब उन्होंने प्रेजेंटेशंस बनाई हुई थी, सारा कुछ किया हुआ था और इतने अच्छे इंतजाम किए हुए थे। मेरा मतलब है अगर उनके दिल में कोई भी ऐसी बात तब भी होती, क्योंकि ट्रेलर तो तब भी रिलीज हो चुका हुआ था और ये सब लोग उसको देख चुके हुए थे, इसके बावजूद भी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड नॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनके बहुत से मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, रेड टेपिज्म होता है और वहाँ इवन स्टूडेंट्स तो अपनी जगह लेकिन प्रोफेसर या डीन्स भी बहुत चीज़ें इतनी फ्रीली नहीं कर सकते, उनको कुछ प्रोसेस हैं जिनके थ्रू गुजर कर ऐसे इवेंट्स को अपने यूनिवर्सिटी में करवाना होता है। सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हम मुल्तान में भी गए थे, फैसलाबाद में भी गए थे। नो असल आई मीन फुल मार्क्स टू यू एंड योर टीम के एक मुझे लगता है टेम्पलेट को फॉलो करना सबसे आसान तरीका होता है, लेकिन टेम्पलेट सबसे पहले एक मुझे लगता है कातिल होती है क्रिएटिविटी की, राइट? और अब हमने फिल्मों के हवाले से देखा कि प्रमोशंस में एंड नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट इट रियली कि जी गलत हो रहा है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी कम नजर आती। वी जस्ट वॉन्ट टू मेक इट स्टार स्टडेड, मॉल में चले जाएँ या सिनेमा में चले जाएँ, उसके अलावा फिर नेचुरली हर तरह की योनरा की फिल्म को आप यूनिवर्सिटी के कैंपसेस पे या कल्चरल स्पेसेस पे जाके नहीं प्रमोट कर सकते, बट जस्ट टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये एक योनरा की फिल्म है और वहाँ पे उन लोगों को इंगेज किया जा सकता है। एंड नाउ आई एम ऑल्सो आई थिंक अ कॉन्वर्ट दैट वे, कि मुझे पहले बहुत थकते बहुत हैं मतलब मैं ये कहता था अच्छा इसका बाकी कोई फायदा होता है नहीं होता, बट देन वी सॉ मंडल के दिनों में बिल्कुल इट डज ट्रांसलेट इन टू नंबर्स अगर आप नंबर्स को ही देख रहे हैं। और फिर वही कि सोशल मीडिया पे भी अगर कोई इंगेज आपसे ऑन ग्राउंड करके उसके बारे में बात करता है वो बात बहुत एक उसका यू नो डायनेमो इफेक्ट बनता है। सो नो इट वॉज वेरी वेल क्राफ्टेड। आई मीन आई विश दैट अनफॉर्चुनेट इवनिंग एट द ब्रिटिश काउंसिल इन कराची हैड नॉट हैपेंड, अदरवाइज इवन एंड पीपल हु हैड कम ऑन बोर्ड यू नो टू सपोर्ट एंड हेल्प, लाइक आई मीन कितनी फिल्मों की दफा आपको पता होता है कि सना बुज्जा वॉलंटियरली कह रही है कि मैं होस्ट करूंगी ब्रिटिश काउंसिल वाला इवेंट, या अली गुलपीर वाज मेंट टू डू यू नो अनदर इवेंट फॉर अस, मॉर्निंग शोज एंड यू नो इस तरह की चीजें। इवन आई रिमेम्बर बोल टीवी पे एहसन खान ने एक शो किया था जब मैंने एहसन को बोला कि फिल्म की इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, आर यू श्योर यू वांट टू
स्टिल इनवाइट अस, हमें और ईमान गए थे उस पर, बट मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट इज़ नो ईजी फीट. नहीं, मुझे लगता है कि जो है ना, मतलब कुछ चीज़ें तो वो, जैसे मेरा मतलब है कि जब आप किसी अच्छा, मुझे तो ये अच्छा काम ही लगता है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब किसी अच्छे काम के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं तो लोग आपके साथ ना मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, वो जैसे मतलब मशहूर लोग भी होते हैं, उसके अलावा जैसे कुछ बच्चे हमारे साथ जो है ना, जिनको हमने एम्बेसडर्स बनाया हुआ था, वो मुल्तान में हमारे साथ शामिल हो गए. बिल्कुल. और सलमान खालिद जो फैसलाबाद के लिए, उनके अब्बा भी खालिद गांधी साहब, मेरा मतलब है कि वो तो हमें इस तरह से जैसे कोई आपको अपनी गोद में जो है ना वो ले लेता है कि भाई बिल्कुल कि आप यहाँ आए, अब हमारा फ़र्ज है कि हम इस फिल्म को आपके लिए जो है ना मिलके प्रमोट करें. लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअली वो होता है ना कि वो जो आपकी सिक्स सेंस या आपकी गट फीलिंग ना आपको कुछ ना कुछ बताना स्टार्ट करती है और कुछ चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट होती हैं. तो ज़रूर समझ आपको भी याद होगा कि जब हम लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकले थे तो हमने वो सफ़र 12 घंटे में किया था. उसकी वजह यह है कि उस दिन इतनी ज़बरदस्त धुंध थी कि हम पहले तो मोटरवे के बाहर इंतज़ार करते रहे, फिर हमने जीडी रोड के ऊपर चले गए और फिर हमें जीडी रोड से दोबारा मोटरवे पे सही रास्ता नहीं आता था आने के लिए. और मेरा ख्याल है जब तक हम इस्लामाबाद पहुँचे थे हम लोग जो है ना वैसे ही We're done. तो मुझे लगता है कि हालांकि तब तक अभी कुछ इस तरह का तब भी नहीं हुआ था, बट चीज़ें कुछ स्टार्ट हो गई तो शुरू हो चुके और मुझे लगता है कि शायद वो जो है ना सफ़र ने भी हमें ना कुछ सिखा दिया था कि अच्छे ताल्लुकात जिनको फिर हमने आगे जाके अपने कुछ और प्रोजेक्ट्स की प्रमोशन के लिए भी इवन कोलैबोरेशंस भी उनके साथ की. और इसके अलावा बहुत अच्छा काम करने का भी मौका मिला. फिर हम एक दो इवेंट्स को उनके पास लेके भी गए तो वो तकरीबन इन सब शहरों में ना इस बात का जो है ना वो बड़ा अच्छा मौका मिला. और अब उनसे जब भी मुलाकात होती है तो फिर एक वो रेफरेंस पॉइंट बन जाता है जिंदगी तमाशा जो है ना. प्राउडली आई फील बिल्कुल वो उस तरह का सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बड़ा मैटर करता है. बिल्कुल. So, but Asil, the story of course did not end here. Yeah. उसके बाद जो भी खैर हुआ उस मिट्टी डालो. बट फिर हम अजीब अजीब से अपॉर्चुनिटीज हमें मिलते थे टू डिस्ट्रीब्यूट इट, टू शो इट, एंड यू वर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट. के अब हम अभी जर्मनी में लिमिटेड स्क्रीनिंग्स मिल गए हमें. कोई फेस्टिवल वाला कहीं मांग लेता था फिल्म ऑनलाइन कितनी जगह पे लोग. सो आई मीन नाउ एज अ प्रोड्यूसर what does that teach you, like because wohi baat ke jahan filmmaking and storytelling khud ek creative field hai, so do you think the way we distribute films at the moment is enough, is right, or usme innovation ki bhi gunjayish hai? Is baat se to hum sab bhi agree karenge ki hame pata hai ki jo bhi filmein hamare yahan release hoti hain, ek to matlab since पंजाब की पॉपुलेशन सबसे मेजर है तो वहीं और वहीं ज़्यादा उसने बिजनेस करना होता है. और प्लस उसके अलावा उसमें भी जो मेजर सिटीज़ हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इसका कुछ चेंज किसी भी तरह का अच्छा जो फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन या उनके एग्जीबिशन से रिलेटेड है वो ज़रूर होना चाहिए. क्योंकि जैसे जैसे हम आम जुबान में सर्किट रिलीज़ वाली बात करते थे, अब तो वो मतलब फिल्म का बैन होना या ना होना या उसका लगना एक अलग बात है, लेकिन वो सर्किट रिलीज़ तो होती नहीं है. वो तो सिर्फ चंद शहरों में जो है ना रिलीज़ होती है. और सिर्फ मुझे ज़िंदगी हालांकि और मैं यहाँ ये ज़रूर बात कहूँगा कि मैं तो इतना ज़बरदस्त बिलीवर भी, और मेरी अंदर से ये ख्वाहिश थी कि मैंने इस फिल्म को जो है ना वो नहीं देखना जब तक कि ये सिनेमा में जो है ना नहीं लगेगी, ठीक है. तो बस लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी जब 10 दिनों के बाद जब वो मैंने YouTube के ऊपर जो लोगों ने, मेरा मतलब है कि जितने लोगों ने वो फिल्म जाके देखी थी, जब उसके फिगर देखा तो मैंने कहा कि भाई ये तो इसी तरह ही था. और कम से कम हम और कुछ नहीं तो ठीक है, हम इस अपनी कोशिश में ज़रूर कामयाब हुए जो कि हम आपस में ये बात करते हुए कहते थे कि हमारा मकसद ये था कि बहुत से लोगों ने इसके लिए बात भी की जो कि इसके मुतल्लिक शायद बुरी राय नहीं भी रखते थे, उन्होंने भी की क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं था. तो बस सबसे जो खूबसूरत बात लगी वो यही लगी कि यार ये इतने ज़्यादा लोगों तक जो है ना वो ट्रू डेमोक्रेटिक जो है ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बट आसिल, फुल सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड इट,
नॉट जस्ट दोज से कल्चरल स्पेसेस जहाँ पे हम गए थे, अब नए ऑफ कोर्स चार पाँच साल में लोग आ गए, को वर्किंग स्पेस, लोग खुद, आई मीन उनको कोई सवाब नहीं है इस बात का, वो खुद 30-40-20-25-60 लोग मिलके स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब पे मौजूद है तो वो प्रोजेक्टर कनेक्ट करके और यूट्यूब पे इट्स ऑन रियली गुड रेजोल्यूशन 4K के अंदर हमने लगाई थी, बिल्कुल, तो वो स्क्रीनिंग करते हैं, बिल्कुल, और वो वहाँ पे उन्होंने कहा जी हम इसको टिकट करते हैं, और वो इतनी सादतमंदी और डिलिजेंस के साथ वो जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं बिल्कुल वो डिपॉजिट कर देते हैं। सो आई एम जस्ट सेइंग कि वो कहीं ना कहीं आपका फेथ रिस्टोर होता है, बिल्कुल, कि चलिए ज्यादती भी इंसान ही करते हैं लेकिन अच्छा रवैया भी इंसान ही करते हैं, बिल्कुल, एनर्जी जो है ना वो ट्रैवल कर रही है। मैं इस बात का बड़ा मानने वाला हूँ कि जो है ना जो मतलब जो एक इन पर्सन आपसे मिलने में एक फिजिकल आप जो है ना ज़रूर अपनी एनर्जी डिसेमिनेट करते हैं, तो वो एक एनर्जी है, मुझे लगता है एक गुड एनर्जी है जो इसके साथ ना हर जगह जा रही है। बिल्कुल इसी तरह मेरे से कई लोगों ने बात की, कुछ का मैंने हो सकता है कि जिक्र किया हो कुछ का ना किया हो, कि जो अपनी अपनी मतलब एक खातून से किसी और मौके पे बात हुई, वो उन्होंने हमारे यहाँ एक प्ले किया था, वो अब इटली में पढ़ने के लिए गई हुई है, तो उन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि मैं जो हूँ ना यहाँ एक म्यूज़ियम है वहाँ इंडिपेंडेंट सन दिखाते हैं, तो मैं जो हूँ ना इसके लिए जो है ना यहाँ बात करूँगी, मैं यहाँ लोगों को बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने एक दो फिल्म्स वहाँ अटेंड की हैं तो मैं ज़रूर वहाँ लोगों से जाके। सो मतलब आप कहते हैं कि यार ये कौन लोग हैं, मतलब जिनसे शायद हम एक मरतबा वैसे मिले में कोई ख़ास ताल्लुक भी नहीं है, और किसी तीसरी बात के लिए उनसे कॉल की गई थी और उन्होंने वो बात छोड़ कर इस बात को जो है ना, सो इट लाइक ये एनर्जी जो है ना वो बस फैली जाए। पंजाबी में कहते हैं ना कि किसी के खटते क्या आए आप किसी चीज़ में, बिल्कुल, तो मुझे नहीं पता कि इस तरह का जो खटना होता है उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो हम नहीं जान सकते, उसकी एक मिस्ट्री हमेशा रहेगी, बट आई फर्मली बिलीव यस गुड एनर्जी गुड इंटेंशन कहीं ना कहीं कोई एक फुल सर्कल लेके उस अच्छी जगह पे आती है। बट आसिल थैंक यू फॉर ऑलवेज ब्रिंगिंग योर गुड एनर्जी योर डेडिकेशन योर इनोवेशन टू सो मेनी प्रोजेक्ट्स दैट वी डू एट कुसेट फिल्म्स, सो आई होप we get to produce more films together. Inshallah. Thank you for having me. Thank you for being a part of it. Such a generous and a selfless part of Zindagi Tamasha. And today, through this podcast series, what I also want to do is, I want to just give it back to everyone so that, you know, we the people who made it possible, now they need to own it. Yes. Without all those shadows of doubt and jo bhi murky si cheezein thi. So let's proudly own the film that we made together. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.